हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS कोड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड आलू, जो होते हैं आलू मतलब बॉयल, आलू भुजी भी है कुछ लोग बोलते हैं, तो भुजिया टाइप। इसको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, ऐसे मैस नहीं करूँगी, तो मैं इनको कट ही कर रही हूँ जैसे कच्चे आलू हम कट करते हैं उसी तरह से। बॉयल कर लिए थे मैंने आलू, और आज सब्ज़ी का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि आजकल ना रोज़ डेली वही सब्ज़ी आती है रिपीट, तो मन नहीं था आज सब्ज़ी बनाने का। तो आज डिफरेंट करते हैं ब्रेकफास्ट में। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें डाल दिया है हींग और जीरा। हींग जीरा थोड़ा सा होने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये प्याज। प्याज देखिए मैंने लेंथ वाइज ही कट करी हैं, और प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ली हैं, दो प्याज ली हैं मैंने। इनको यहाँ पे हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा प्याज का कलर चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वही होगा कि आलू हमारे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। कई बार सब्जी में जो तड़का बनाती हूँ उसमें अच्छा सा भी मैं भून लेती हूँ, और कुछ सब्जियों में थोड़ा कम कलर अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं हरी मिर्ची, जिनको मैंने लंबा कट कर लिया है चीरा लगा के हाफ हाफ करके। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी, क्योंकि इनको हम साथ में खा सकते हैं। अब देखिए प्याज हमारी बस इतनी सी भुन चुकी है, इतनी ही भूननी थी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। कलर वाली मिर्ची मैंने यहाँ बहुत थोड़ी सी डाली है, और थोड़ी सी मैंने तीखी वाली डाली है, मतलब कलर वाली मतलब जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है। और बस अब मैं इसमें ये आलू ऐड कर दूंगी, टमाटर वगैरह कुछ नहीं जाएगा इसमें, प्याज के साथ ही ये फ्राई करने हैं। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करूंगी हल्के हाथ से ही, और आलू बॉयल थोड़े से ठीक ठाक होने चाहिए, जैसे कि कई बार ना बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाते हैं तो वो मसी से हो जाएंगे, फिर वो बिल्कुल एकदम भुजी टाइप होगा जैसे हम भुजिया बनाते हैं। लेकिन बस मैं आलू के पीसेस अलग ही रखने वाली हूँ यहाँ पे, और ये सब्ज़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, और हल्के हाथ से चलाते हुए मीडियम आंच पे इसको भूनना है जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, और आलू का कलर थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए, नीचे से ब्राउन सा, मतलब जैसे भुनी भुनी सब्ज़ी बनती है ना ब्राउन कलर हो जाता है नीचे से। आलू हम भूनते हैं जैसे फास्ट के आलू भूनते हैं जीरा वाले आलू, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको भूनना है। तो ये देखिए आलू हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं आटा तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, आटा मैं बाद में ही बनाऊँगी। कई बार सब्ज़ी पहले हम छोंक देते हैं और उस बीच आटा हमारा बन जाता है, लेकिन इतना टाइम इस सब्ज़ी में नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी। पराठे के साथ ये आलू बहुत टेस्टी लगते हैं, और बच्चों को लंच में आप दे सकते हैं या सबके लिए भी बना सकते हैं। बच्चों को तो खासकर सब लोग आलू भून के देते ही हैं। कई बार बच्चों को जीरा आलू पसंद होते हैं, और मेरे बच्चों को जो फर्स्ट वाले वाइट वाले आलू होते हैं ना जीरा के साथ भुने हुए, तो वो बहुत टेस्टी लगते थे पहले। तो आज तो खैर मैंने प्याज के साथ करे हैं। नींबू का रस भी मैंने इसमें ऐड करा था, वो शायद मैं बोलना भूल गई हूँ। नींबू के रस से थोड़ा सा खटास आएगा, या फिर आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटी बेलना शुरू कर दी है, मतलब पराठे बेलना। पराठे मैं सिंपल ही बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो आटा मैं ले रही हूँ उसके अंदर थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ ना, तो उससे पराठे बहुत सॉफ्ट रहते हैं और क्रिस्पी भी सिकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पराठा मेरा सिक चुका है, और आँच मैंने मीडियम रखी हुई है। आज मैं इसी तवे पे बना रही हूँ, क्योंकि आपके कमेंट आ रहे थे तवा चेंज करो, हालांकि ये मेरा नॉनस्टिक तवा है। पराठे में ना फिर थोड़ा सा जल जाता है घी या ऑयल, कुछ भी हम किसी से भी बनाएं, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ उस पर पराठे बनाना। ये थोड़ा सा नॉनस्टिक में ना घिसने वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर स्क्रैच आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फटाफट से अब मैं पराठे बना रही हूँ। जैसे मैं लोई लेती हूँ ना, तो उसके बीच में थोड़ा सा एक बूंद घी डाल लेती हूँ, तो ये देखिए पराठे इस तरीके से फूले फूले बनते हैं फिर, और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी सिकते हैं। तो फटाफट से मैं पराठे बना लेती हूँ और गर्मा गर्म सबको सर्व करती हूँ।
खाना पीना हो गया है और अपना वही डेली की क्लीनिंग मैंने शुरू कर दी है। यहाँ पे फ्रिज पे एक दो सामान एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो वो मैं देख रही हूँ। बच्चे इधर उधर से सामान लेके आते हैं बाहर से तो इस पे रख देते हैं, जैसे उनकी वॉच वगैरह होती है, इस तरीके के एक दो सामान इस पे पड़े हुए थे, या फिर किसी की दवाई आती है तो वो भी इसी पे लाके रख देते हैं, तो वो मैंने देख लिया है। और बस यहाँ पे हल्का सा मैं कपड़े से फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। ये तो लगभग डेली का ही रूटीन होता है, हल्का सा कपड़ा जो है गीले से ही साफ़ कर रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं कोलिन वगैरह से नहीं कर रही हूँ। और जो अंदर की सेल्फ होती हैं उस पे दूध के भगोने रहते हैं मेरे, जैसे पुराना ख़त्म नहीं होता तो नया आ जाता है, तो वो ना थोड़ा सा दूध वाला पानी सा निकल जाता है इसमें फ्रिज में, तो वो तो मेरा डेली का काम है उसको पोंछना, अच्छे से साफ़ करना। डेली करते रहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हमारा फ्रिज नहीं दिखता है, वो दूध सूख जाएगा, हल्का फुल्का अगर गिर जाता है तो उसमें फिर फ्रिज में ना स्मेल हो जाती है। तो ये अपना डेली का रूटीन होता है। चलिए जी, ये भी मेरा हो गया। अब मैं जो है पानी की बोतल वगैरह, ये सबसे खास काम होता है समर में, पानी की बोतलें भर के रखना। फ्रिज में इतना सामान हो जाता है कि समाता नहीं है, उसमें आता भी नहीं है, और जब सब्जी आ जाती है ना पूरी पूरे वीक की, तो बस पूछिए मत मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन अभी तक ऐसे ही फैला पड़ा है, और अब दूध वाले भैया थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि कई बार मैं शॉप पे जाती हूँ, घर पे कोई नहीं रहता है, तो इस वजह से। तो बस दूध भी यहाँ पे आ गया है, दूध मैंने छान दिया है। और अब देखिए बर्तन, बर्तन यहाँ पे कितना ढेर लगा हुआ है, तो अब मैं फटाफट से जो है बर्तन करना शुरू करती हूँ। दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, जब तक मेरा दूध भी हो जाएगा, और छोटे छोटे बर्तन लगभग हो गए हैं, बड़े बर्तन बचे हैं वो अब करूँगी। और एक और भगोना आपको दिख रहा होगा, तो इसमें मैंने मलाई को जामन लगाया है, मतलब लगाऊंगी, अभी मलाई मैंने इसमें करके रखी है सारी पलट के एक जगह। दही मंगवानी पड़ेगी तब जाके इसमें जामन लगाया जाएगा मक्खन बनाने के लिए। और दही से मुझे याद आ गया कि कई बार आप लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि आप दही की रेसिपी दीजिए, किस तरह से दही जमाते हो सिंपल तरीके से, तो आज मैं इस वीडियो में आपको दही की रेसिपी भी देने वाली हूँ। शाम में मैं दही जमाऊँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन जो हैं बड़े बड़े वो मैं उधर लगा देती हूँ, क्योंकि किचन मेरा इतना बड़ा नहीं है और ऊपर कोई रैक वगैरह भी नहीं है कि उसमें मैं बर्तन रख सकूँ, तो इसमें निचोड़ निचोड़ के फिर इधर लगा देती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, फ़ैन आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर मैंने रखा हुआ है तब जाके किचन में काम हो रहा है, नहीं तो काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी है। बर्तन सारे साफ़ हो गए हैं, बर्तन मैंने लगा दिए हैं एक साइड, और अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की, जो कि इंडक्शन पहले ही मैंने क्लीन करके दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था। तो अब जो है ये कर लेते हैं गैस, और उसके बाद किचन काउंटर। फ़ैन चला हुआ है, साथ के साथ बर्तन सूखते जा रहे हैं, और यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। बस ये है कि मैंने ये छोटा सा फ़ैन रखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे काम हो भी रहा है, नहीं तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है इन दिनों बहुत ज़्यादा। तो बस कॉटन के कपड़े से ही मैं कर रही हूँ, जो मैंने बनाए थे एक दिन आपके साथ शेयर करे थे और आपको वीडियो पसंद भी आई थी, तो ये कपड़ा बहुत ही अच्छा काम करता है। और कॉटन ना पानी में निचोड़ के धुल के बहुत ही अच्छी सफाई करता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिए अच्छे से इधर का तो साफ़ हो गया है, किचन मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, तो बर्तन वगैरह भी इसी पर रखने पड़ते हैं, सूख जाते हैं तभी मैं जाके लगाती हूँ बर्तन। और बस ये अब जो है यहाँ पे साफ़ हो गया है, अब मैं सिंक को साफ़ कर लेती हूँ, पहले उसको अच्छे से रगड़ के मांजूंगी और उसके बाद फिर जो है धुल के कपड़े से मैं पोंछ दूंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम लगता है कि किचन में साफ़ सफाई रहती ही है, इतना टाइम लगता है और उसके बाद फिर शुरू होता है, तो कम से कम कुछ घंटे तो हमारी सिंक एकदम क्लीन रहे, तो इसलिए। और यहाँ पे दूध भी मेरा बस होने वाला है, बॉयल आ रहा था तो मैं वेट कर रही हूँ कि दूध पे बॉयल अच्छे से आ जाए और मैं उसको ढक दूँ जाली से। हैं आप सब, अब आपसे मिल रही हूँ मैं सुबह से, सुबह मैंने व्लॉग शुरू कर लिया था लेकिन मिलना नहीं हुआ, फटाफट से सारा काम ख़त्म करके फिर मैं चली गई थी शॉप पे, और अब बज रहे हैं 2 बजे मैं वापस आई हूँ, तो अब जाके याद आया कि सुबह व्लॉग शुरू करा था, सोचा था कि तैयार होके जब मैं चलूँगी तो आपसे मिलूँगी।
और एक दो बातें करूंगी, लेकिन हुआ ही नहीं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बेहोश होने को हो रहा है सच में। और मैंने कर रखा है फैन बंद, आवाज़ आती है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है पूछिए मत। मेरा हाथ कर रहा है दर्द, यहाँ पे रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने करी थी जाके शॉप पे एक वीडियो रिकॉर्ड, तो उसमें भी गर्मी लगती है, वहाँ पे भी फ़ैन बंद ही करना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो वो करके फिर पिक वगैरह लेके, डबल काम होता है, फिर पिक लेना, पहले वीडियो रिकॉर्ड करना, तो इसलिए गई थी। नहीं तो आज जो है अंश की छुट्टी थी, वो रह लेता, लेकिन मुझे वीडियो का काम था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ता है। जाऊंगी, शाम को भी जाऊंगी, तो अब 2 बजे हैं, अब पहले मैं नहाऊंगी, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। अंश गया नहाने के लिए, तो मैंने 2 मिनट में आपसे जब तक मिल लेती हूँ, फिर नहाऊंगी, चेंज वेंज करके आराम से फास्ट चल रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाऊंगी पीऊंगी, और उसके बाद फिर वही अपना जो है देखती हूँ जैसे भी होता है। चलिए फटाफट से अब मैं जो है नहा लेती हूँ, नींद आ रही है, क्योंकि सुबह उठती हूँ 4:30 बजे, मंदिर जाना होता है, मंदिर जाती हूँ ना मैं रेगुलर पूरा सावन का महीना, तो जल्दी उठ के थोड़ा बहुत काम वाम घर का करके और नहा धो के मंदिर वंदिर अपना घर का क्लीन करके, सुबह नहाने से पहले झाड़ू वाड़ू सारा काम करके तब जाके मैं मंदिर जाती हूँ। और मंदिर से आ जाती हूँ करीब मैं 6:15 तक या 6:10 तक, इतना मेरा टाइम होता है, क्यों जाता है स्कूल, फिर इसका लंच आके करना होता है। तो अब तो यहाँ पे कांवड़ की छुट्टी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो अब तो 1 वीक आराम से, टेबल पे पैर रख रखा, तो 1 वीक आराम से निकल जाएगा कि मैं 10-5 मिनट इधर उधर कर सकती हूँ। नहीं तो वही सुबह का फिक्स ही होता है, और सुबह का सबका इतना बिजी टाइम होता है, फिक्स ही होता है, तो इस वजह से हो ही नहीं पाता। और आज तो मैंने वीडियो कई दिन में रिकॉर्ड किया है, करीब 3 दिन बाद रिकॉर्ड किया है, उससे पहले किया होगा, उस दिन से नहीं किया था। और हाँ, मैंने ग्रीन चूड़ियाँ पहन ली है, सावन स्पेशल, ये देखिए मेरी सावन स्पेशल ग्रीन चूड़ियाँ मैंने पहन ली, लेकिन मैंने चार चार चूड़ियाँ ही पहनी है, ज़्यादा नहीं पहनी जाती, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए जी, नहाना धोना हो गया है, और मैंने टी शर्ट लोवर ही डाल ली है, क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों के खाने पीने की तैयारी, चावल रखे हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि दोपहर में लंच में मम्मी चावल फ्राई करके दे देना, तो बस वही चावल फ्राई कर रही हूँ उनके लिए सिंपल तरीके से। चावल फ्राई बच्चों को अच्छे लगते हैं, सुबह बोल रहे थे, लेकिन सुबह मेरे दिमाग से ही निकल गया था, सुबह सब्ज़ी बन गई थी आलू की, तो वो भी बच्चों को बहुत पसंद आई थी, तो सब्ज़ी भी रखी हुई है और ये आलू हो जाएंगे, तो उनका लंच हो जाएगा अच्छे से, आलू के साथ चावल भी अच्छे लगे, मतलब चावल के साथ आलू भी चल जाएंगे दही के साथ, तो उनका लंच हो जाएगा। और मैं तो खैर कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, मतलब दूध वगैरह लूंगी, इस तरीके से लेती हूँ, बनाना हो गया, दूध हो गया, तो मेरा तो ये चलता है फास्ट में। और ये देखिए शाम का टाइम है, और यहाँ पे रैबिट का खाना आ चुका है, ये ऑफिस से आए हैं तो ये लेके आए हैं, इन्होंने एड्रेस वहीं का दिया हुआ था अपने ऑफिस का ही। और ये देखिए यहाँ पे इस पे सारा कुछ दिया गया है, इसकी MRP या जो भी, अगर आपके पास भी इस तरह से रैबिट वगैरह हैं घर में तो आपको भी ये चाहिए तो मुझे बताइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में। ये अमेजोन से मंगाया है, पहले भी हमने मंगाया है और अब दोबारा से, तो इस बार इन्होंने 2 पैकेट किए हैं, पहले हमने एक ही पैकेट मंगवा के देखा था, तो उनको पसंद आया है, अच्छे से खा लेते हैं। और इसको एक पैकेट को मैं एक डब्बे में भर के रख लेती हूँ, और फिर मुट्ठी भर के थोड़ा थोड़ा उनके सामने उनके बाउल में डाल देते हैं, एक दो बार दिन में या फिर नाइट में एक बार रख देते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि घास भूसा जो भी मतलब वो खाते हैं, अलग अलग चीज़ें थोड़ा सा ट्राई करते रहते हैं, तो उनका मन फिर खाने को करता है। अब एक ही चीज़ रिपीट डालेंगे या फिर उनकी हरी घास डालेंगे या वेजिटेबल डालेंगे तो वो बोर हो जाते हैं, अगर उनको चेंज मिलता है डेली थोड़ा थोड़ा तो वो बड़े खुश रहते हैं। तो चलिए जी, जैसे मैंने बोला था, अब मेरा दही जमाने का नंबर आ गया है, काम मेरा किचन का ख़त्म हो गया है, वो मैंने कुछ भी शेयर नहीं करा है। अब देखिए यहाँ पे दूध है, ये फुल क्रीम, जिसको मैंने बॉयल करके हल्का सा ठंडा कर लिया है, मतलब अच्छे से बॉयल करके ठंडा कर लिया है, क्योंकि गर्मी है, सर्दी में तो थोड़ा गर्म दूध में जामुन लगाया जाता है, लेकिन गर्मी में बस गुनगुने दूध में जामुन लगाया जाता है। तो ये 1 बड़ी चम्मच भर के मैंने इसमें दही डाली है,
अगर आपकी दही खट्टी है तो आप थोड़ी दही डालिएगा, मेरी फ्रेश है तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। दही डाल के इसको अच्छे से फेंट देना है, दही को अच्छे से मिक्स कर देना है। दही जमाने में कुछ भी नहीं है, सर्दी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, गर्मी में बहुत ईजी तरीके से जम जाती है। और बस इसको कवर करके छोड़ देंगे। ध्यान रखना है ना तो इसमें जामन ज़्यादा होना चाहिए, जामन बोलते हैं जो मैंने दही डाली है, और ना दूध ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं इसको रात भर छोड़ दूँगी यहीं पे, और आप चाहे तो छलनी से भी ढक सकते हैं, लेकिन मैंने प्लेट ही ढक दी है। और ये है मॉर्निंग का टाइम, दही अच्छे से जम गई है तो आपको दिखाना था तो इसलिए। और मैंने जल्दी उठते ही इसको फ्रिज में नहीं रखा था, पहले मैं मंदिर गई थी क्योंकि आपको दिखाना था, तो अब मैं इसको आपको दिखा के तब जाके फ्रिज में रखूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी दही जमी है घर के दूध की। तो इस तरीके से आप दही जमा सकते हैं, कुछ नहीं है। सर्दी में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है क्योंकि वो ठंडी हो जाती है, वो अलग तरीके से जमाई जाती है। बहुत ही थिक सी अच्छी सी दही जम के हो गई है तैयार। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो की कोई भी क्लिप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप कर नहीं रहे हो। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।